चिंटू को फॉलो कर रहे हैं और देखते ही हमें कहाँ पे लेके जाता है। ओ भाई साहब फुल तगड़ा वाला सीनरी। ओ भाई ये देखो ये चिंटू यहाँ बैठा है। हे गाइस वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो आज की सुबह हुई है अपनी कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, और हम आए हैं अपनी बुआ के घर। और देखो हम कहाँ पे, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है एकदम ज़बरदस्त। मैं आपको छत के पीछे लेके चलता हूँ, वहाँ से आपको दिखाता हूँ और बढ़िया नज़ारा आपको दिखेगा यहाँ से। देखो चारों तरफ लिटरली पहाड़ी पहाड़ और हम लोग पहाड़ों के बीच में। ये वाला जो एरिया है ये पहाड़ों के बीच में पड़ता है, तो यहाँ तक आने में हमको काफ़ी टाइम लगा है। बहुत सारे गांव हैं जो कि पहाड़ों के बीच में, उसमें से ये भी एक गांव है। ठीक है, बहुत प्यारा गांव है। यहाँ पे देखो बगल में ही राम मंदिर है, शिव मंदिर है, और ऊपर एक अम्बे माता का मंदिर है। तो आज आपको हम लोकल में घुमाएंगे, ट्राई करेंगे कि अम्बे माता के मंदिर में भी चले। तो फिलहाल अभी मैं उठा हूँ, तो अभी चलता हूँ, थोड़ा नाश्ता वास्ता करता हूँ क्योंकि यार भूख लग गई है। चलो गाइज नाश्ता वास्ता कर लिया है, अब अपने फूफा की बाइक उठाते हैं जो कि FZ Version 3 है, इसको उठा के कहीं चलते हैं, लोकल में मस्त घूम के आते हैं। तो गाइज अभी हम निकल चले हैं लोकल घूमने के लिए। हमें चिंटू लेके जा रहा है क्योंकि चिंटू को ही ऑब्वियसली वो आते हैं लोकल के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता है। तो हम चिंटू को फॉलो कर रहे हैं और देखते ही हमें कहाँ पर लेके जाता है। जबरदस्त सीन गाइस, सीन देखो बस, सीनरी इतना जबरदस्त। बीच में से रास्ता, चारों तरफ पहाड़, ग्रीनरी तो अभी उतनी है नहीं, पर ग्रीनरी जो है ना बारिश के टाइम बहुत तगड़ी हो जाती है क्योंकि अभी थोड़ा सूखा वाला मौसम चल रहा है, तो इसलिए अभी ना थोड़ा ब्राउनिश ब्राउनिश टाइप का दिख रहा है। वरना जब बारिश होती है ना तो ये ग्रीन, मतलब ये जो पहाड़ है पूरे ग्रीन ग्रीन दिखाई देता है और घास का मैदान एकदम वैली जैसा एकदम बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। तो गाइस अभी हम लोग चढ़ रहे हैं पहाड़ के ऊपर और साइड का व्यू देखो, जरा देखो साइड का व्यू, वैली देखो कितनी तगड़ी लग रही है, मतलब ऑसम। और ये पहाड़ के ऊपर देखो इतनी पतली सी ये जो है रास्ता इतना चढ़ रहा है, और इसकी जो मिट्टी है ना वो भुरभुरी है टाइप की, मतलब गाड़ी का जो टायर है ना वो स्टेबल नहीं रह रहा। तब भी हम जा रहे हैं, ऊपर एक मंदिर है वहाँ पर जा रहे हैं, तो फिलहाल अभी वहाँ चलते हैं फिर आपको मंदिर दिखाते हैं। तो गाइस अभी हमने यहाँ पर बाइक तो पार्क कर दी है और यहाँ से सामने का व्यू देखो, ऑसम व्यू तगड़ा। अभी हम जाएंगे यहाँ से ऊपर, ऊपर जाके वहाँ मंदिर है। ये कौन सी माँ का मंदिर है, कौन सी माँ का मंदिर है चिंटू? जगदम्बे माँ बोलते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी चलते दिखाते हैं आपको। रात में जो है ना गांव से ये जो मंदिर है, मतलब एक छोटी सी लाइट जलती है इस पर, तो एक छोटा सा मतलब सिर्फ एक लाइट दिखाई देता है कि हाँ ऊपर कुछ है। और फिर सोचो रात में यहाँ से नीचे का व्यू कैसा लगता होगा। तो यहाँ दर्शन करने के लिए खुद ही मंदिर का गेट खोल के एंटर करना होता है। ये है अपनी जगदम्बे माँ जिनकी खास दर्शन करने के लिए हम इतने ऊपर आए। टीका लगा, तो ये टीका लगा देते थोड़ा चिंटू को। टीका ये रहा, फिर आप लगाओ, मुझे तुम लगा दो ना, मुझे कैसा दिखेगा, बीचों बीच में लगाना मेरे, लगाओ इस उंगली से लगाना है। हाँ हाँ ये वाली उंगली से चिपक ही नहीं रहा, कुछ जितना चिपका है वो कर दो बीचों बीच में लगा। सब ऊपर की तरफ ले जाते हैं, ये नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं। अब विक्की को भी थोड़ा लगा देते हैं। चलो भाई साहब ये शाबाश। गाइस चिंटू चला गया है मंदिर के पीछे, ठीक है उसे फिलहाल बुला के लाते हैं। और मुझे देखो मंदिर के पीछे कुछ दिख रहा भी नहीं है, मिट्टी भी नहीं दिख रही, खाली ये फर्श ही दिख रहा है। ठीक है आओ जरा। ओ भाई साहब फुल तगड़ा वाला सीनरी। ओ भाई ये देखो ये चिंटू यहाँ बैठा हुआ है, इसका रियल नेम एक्चुअली दीप है, प्यासे से चिंटू बुलाते हैं। इतना तगड़ा व्यू आ रहा है, फुल जेन्युइन, यहाँ पे बैठ के फुल मस्त आराम से चिल कर सकते हो और यहाँ से व्यू भी आपको तगड़ा मिलेगा। और यहाँ पे बैठ के आराम से चिल करो मस्त, एकदम फुल तगड़ी तगड़ी एकदम प्यारी सी हवा चल रही है, आराम से बैठ के थोड़ा यहाँ चिल करते फिर जाएंगे घर पे। ठीक है तो गाइस अभी जो मैंने आपको जैसे वीडियो के इंट्रो में बताया था कि हम पहाड़ों के बीच में है, ये जो गांव है ये पहाड़ों के बीच में, तो यहाँ से आप प्रॉपर नज़ारा देख सकते हो, चारों तरफ पहाड़ है और ये गड्ढा है, गड्ढा मतलब पहाड़ों के बीच में ये छोटा सा गांव बसा हुआ है। और यहाँ पे ज़्यादातर जो है आदिवासी लोग रहते हैं और इस गाँव का नाम है बोकराता। बोकराता है ना इस गाँव का नाम, बोकराता। मैं देखो सही से प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा, चिंटू बहुत अच्छे से प्रोनाउंस कर रहा है। और यहाँ से यार व्यू भाई ऑसम A1। और सोचो जब ये ग्रीनरी हो जाती होगी तब कितना बढ़िया लगता होगा, अभी जब ऐसा लग रहा है तो सोचो जब ये ग्रीन ग्रीन मतलब पूरी वैली फुल कश्मीर वाली वाइब आती होगी यहाँ पे।
तो गाइज हमने एक्चुअली चिंटू को इसलिए गाड़ी में बिठा रखा है क्योंकि चिंटू की जो साइकिल है वो हमने कहीं पर रख दी थी, क्योंकि इतने स्लोप पे जो है साइकिल लेके नहीं चढ़ सकता चिंटू, इसलिए हमने चिंटू की साइकिल कहीं छोड़ दी थी। तो अभी फिलहाल चल रहे हैं घर की तरफ और इस बार बिक की बाइक चला रहा है क्योंकि फूफा की बाइक इसने नहीं चलाई थी, तो मैंने उसे बोला कि अब तू चला बाइक। और ये स्लोप भी है ना तो मुझे थोड़ा डर सा भी लग रहा है क्योंकि भुरभुरी मिट्टी है, तो मैंने इसे बोला कि प्यार से चलाइए क्योंकि अगर इसने गलती से सामने का ब्रेक लगाया और डिस है बेटा अगर गिरेंगे तो सारे बहुत गंदे तरीके से गिरेंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान से ठीक है। विक्की भाई आराम से चलाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। और चिंटू तुम्हें कैसा फील हो रहा है? इसे भी बहुत ही बेकार फील हो रहा है क्योंकि इसने ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रखा ऑलरेडी। बोल रहा था कि मैं अपने पापा को लेके एक बार बाइक से स्किट कर गई थी, इसके पापा थे मतलब पापा बाइक चला रहे थे इसके, तो तब से इसके माइंड में जो है ना वो डर बैठा हुआ है, इसलिए विक्की आराम से। सो गाइज घर आ चुके हैं तो ये फिलहाल थोड़ा नहा धो के खाना पीना खा लेते फिर आपसे मिलते। सो गाइज खा पी के नहा धो के मैं सो गया था, अभी फिलहाल हो चुकी है शाम, तो अभी निकलते हैं यहाँ के मार्केट में और यहाँ के मार्केट से कुछ बढ़िया सा ट्राई करते हैं। गाइज यहाँ का सीन एकदम उल्टा है, हम लोग आए थे मार्केट में कुछ खाने के लिए पर यहाँ तो देखो 7 बजे ही सब खत्म। ये देखो टाइम देखो 7 बजे सारी दुकान बंद हो जाती है। हमारे दिल्ली में क्या है 7 बजे स्टार्ट होता है मेन खाने पीने का जो मार्केट है वो इस टाइम स्टार्ट होता है, और इस टाइम यहाँ पे सब चीज़ बंद हो जाता है, मतलब एकदम उल्टा अपोजिट ही यहाँ पे सिस्टम चल रहा है। फिलहाल अभी एक दुकान दिखी है खुली हुई, यहाँ पे दिखते हैं कुछ खाने का आइटम मिलता है कि नहीं। ऊपर की तरफ खींचेगा ये। तो गाइज मैंने लिया है कुल्फ़ी, बिक्की ने एक दूसरी कुल्फ़ी ली है और चिंटू ने चॉकोबार लिया है और कुछ ये हमने लिया है नॉर्मली स्नैक्स टाइप का, ये बाद में खाएंगे, फिलहाल अभी कुल्फ़ी खाते हैं। ये वाला मीठा नमक पा रहे हैं, मतलब ये मीठा लगेगा, ये नमकीन है और ये मिर्ची का पकौड़ा, सिर्फ यहाँ मिर्ची का पकौड़ा ही मिल रहा है और कोई सा पकौड़ा ही नहीं मिल रहा। चलो गाइज फिलहाल काफ़ी रात हो चुकी है और खाने पीने का टाइम भी होने जा रहा है, तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में, टिल देन बाय। सो गाइज खा धो के नहा